अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे भेड़ पालन किया जाता है, और ये है पाप जोपड़ा से आगे करीब 2.5 या 3 किलोमीटर आगे होगा। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे इस तरफ से जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। और अभी हमने जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको पूछा था इनकी कीमत, तो करीब 4 लाख एक भेड़ की कीमत बता रहे थे। सो जो ये भेड़ हैं, ये ऊन इनसे निकाला जाता है और इसीलिए इन भेड़ों को यहाँ पे पाला जा रहा है। सो करीब हम आ गए हैं, 60 मीटर ऊपर आ चुके हैं, और इसी प्रकार का रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। कितना सुंदर रास्ता है। और काफ़ी ऊपर हम आ गए हैं, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पे बना हुआ है। तो यदि आप लोग चोपता तुंगनाथ आते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। हाँ चल। और यदि आप उखीमठ होते हुए आते हैं तो मक्कू बैंड से आपको मक्कू की तरफ जो रोड आती है मंदिर की तरफ, उस तरफ आना है। और करीब 2 किलोमीटर आगे ये जगह है, और आप यहाँ पे इन खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भेड़ पालन हो रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं, और अभी देखते हैं यहाँ ऊपर क्या है। सो इस तरफ का हमने आपको दिखा दिया है, नीचे बहुत सारे बने हुए हैं मकान, अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कुछ में जो अधिकारी होते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं कर्मचारी, वो रहते हैं, और बाकी बकाया जो जिन पे जाली वगैरह लगी हुई है उनमें भीड़ रखी जाती है। और कुछ भीड़ जंगल गई होंगी और कुछ अभी वहाँ मैंने आपको दिखा दिए। देखिए इस तरफ भी बने हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ बने हुए हैं, शायद आप लोग चोपता तुंगनाथ आए होंगे लेकिन आपने ये जगह नहीं देखी होगी। मैं आज पहली बार यहाँ आया और मैंने जो देखा वो चीज़ आपको भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ सेब के पेड़ भी लगे हुए, वाह यार सच में। अभी नया नया फल है ये, तो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसे हो रहा है। अभी तो कड़वा हो रहा है लेकिन अभी पूर्ण रूप से पक जाएगा तो पर सच में बिलीव नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसी जगह भी होगी ना। मैं जब भी आता था तो हम क्या करते थे, इस रास्ते आते थे इस रूट पे, और अपना सीधे चोपता तुंगनाथ की तरफ चले जाते थे। लेकिन आज जब मौका मिला यहाँ पे रुकने का, तो मेरे साथ लक्ष्मी है और ये आचार्य हैं, और इन्होंने कहा कि यार क्यों ना ये जगह भी देखी जाए जब आए रखे हैं यहाँ पे। सो जब यहाँ आए तो एक हमारे लिए एक आश्चर्य वाली जगह है, क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं होता था कि यहाँ पे ऐसी जगह भी होगी। और करीब 100 मीटर ऊपर हम आ गए हैं, और इतने सारे यहाँ पे ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पर सारी यूजलेस हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फालतू का खर्च हो रखा है अभी के टाइम के लिए, लेकिन जो पहले उन्होंने सोचा होगा, जो प्लानिंग उन लोगों ने की होगी, उस हिसाब से तो उन्होंने सही बनाए। लेकिन अभी के हिसाब से जब ये यूज में नहीं है और खंडर जैसे पड़े हुए हैं, सो ऐसे लग रहा है कि ये तो व्यर्थ का खर्च हो गया है। मतलब ज़िंदगी की जितनी टेंशन होती है आदमी भूल जाता है उसको, जब ऐसी जगह आता है ना, शांत इलाका होता है और वादियाँ खूबसूरत हो,
और ऐसी जगह मिल जाए तो जिंदगी की जितनी भी टेंशन होती है आदमी भूल जाता है। और जब हम घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो कहीं पे झगड़ा देखने को मिलता है कि आज तुम्हारा पुंगड़ा में घास काट ली, आज तुम्हारा गुरुन उजाड़ के ली, और यही चीज़ें होती रहती हैं। और इसी के बीच हमारा भी जो ज़िंदगी का संघर्ष होता है वो चलता रहता है। जैसा कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा, भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मुझे अभी पैसा इम्पोर्टेंट है तो मैं पैसा ही बोलूँगा। और पैसा है तो लाइफ को आप अच्छी तरह इन्जॉय कर सकते हैं। इस तरफ से नीचे जाएंगे हम यहाँ से, और इतने बड़े क्षेत्र में मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, पूरा क्षेत्र मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे भेड़ पालन का अच्छा खासा बड़ा व्यवसाय है। यहाँ से भेड़ों से ऊन निकाला जाता है और उसका व्यवसाय किया जाता है। और ये जो जगह है ये आपका पाप चोपड़ा से थोड़ा आगे 2 से 3 किलोमीटर, और जो मुक्कू बैंड है मुक्कू बैंड से भी 2 से 3 किलोमीटर के जो मध्य वाला हिस्सा है उसमें है। कौन से ब्रिट बोल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन ब्रिट, जिसकी कीमत कितनी बोल रहे थे, 4 लाख। अब हम नीचे जा रहे हैं, हम जाएंगे रोड में नीचे, यहाँ देखिए वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बाबा तुंगनाथ विश्राम करेंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी हमने इनसे पता किया तो ये जो यहाँ पे काम करते हैं कर्मचारी, तो वो बता रहे थे कि जो ये फार्म है ये मक्कू फार्म के नाम से है, सैनिक रिजॉर्ट यहाँ पे खुल चुका है, तो जब भी आए यहाँ पे ज़रूर रुके।